मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनावी मोड में है, तो वही उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को घेरने के लिए खुद कमान संभाल ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के बिरला नगर में सीएम राइस स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में जमकर कांग्रेस को मंच से आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा ने मैदान संभाल लिया है और वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंची है, जहां उन्होंने सीएम राइस स्कूल का शिलान्यास करने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मैदान संभालने की अपील की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला किया। इनके लिए इतना वो छोटे वाले के लिए तो ताली की गड़गड़ाहट है। वो छोटे वाले ने तो बलिदान दिया था अपनी जिंदगी का, अरे तालियों की गड़गड़ाहट उत्साह वर्धन कर। अब आ गया मंच पर, अब जरा ताली मारो उसके लिए। अरे ग्वालियर की ताली चाहिए मुझे। ये भविष्य बैठा हुआ है ग्वालियर का, ये भविष्य बैठा हुआ है मध्य प्रदेश का, ये हुआ है पूरे विश्व का। मेरे भाइयों ने हमारे सीएम राय स्कूल में पुराने जमाने 2003 की पहली बात कर रहे थे शेजवलकर साहब। स्कूल में कक्षा नहीं होता था क्लास चलाने के लिए, ये सीएम राय स्कूल में केवल कक्षा नहीं होंगे, फिजिक्स के लिए अलग लैबोरेटरी होगी, केमिस्ट्री के लिए अलग लैबोरेटरी होगी, बायोलॉजी के लिए अलग लैबोरेटरी होगी, और तो और क्या, कंप्यूटर साइंस के लिए भी अलग लैबोरेटरी होगी। ये देखो ये बच्चे, जिस देश ने आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का तिरंगा, कहां है मेरा तिरंगा, ओ मेरे बच्चे, अरे दो दिन में तैयार किया, तालियों की गड़गड़ाहट से पकड़ के रखो अपने हाथ में। ये भारत का तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नहीं गाड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के रखा है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, बड़े बड़े यूरोप के प्रधानमंत्री, पहले जब विश्व स्तर के नेताओं की मीटिंग होती है तो हमारे प्रधानमंत्री के गले लगने के लिए लाइन लग जाती है। और ये तिरंगा भारत में नहीं, विश्व में नहीं गड़ा, अब अगले एक दिन के अंदर ये भारत का तिरंगा चंद्रयान 3 के आधार पर चांद में गाड़ने का समय आ गया। ये तिरंगा चांद पे देखने को मिलेगा मेरे भाई और बहनों, और ये संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा कि देश पहला, दल दूसरा और व्यक्ति अंतिम श्रेणी में। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा सेवा, सहयोग और गरीब कल्याण की सोच, और उसी सेवा, सहयोग और गरीब कल्याण की विचारधारा पर मुझे फक्र है कि मेरा प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में चल पड़ा। जब नाली गंदी होती है तो नाली में कूद जाता है, सही है कि नहीं? अरे बजाओ ताली भैया। जब विकास का काम हो तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाके अपने यहाँ के लिए एक सीएम राय स्कूल नहीं, जब स्वास्थ्य की सुविधा की जरूरत होती है मेरे पास आकर लड़ झगड़ कर हजीरा को अति आधुनिक अस्पताल बनाने का कार्य करता है। ग्वालियर की कल्पना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शिवराज सिंह जी और हमने संकल्प और प्रण लिया है, शेजवलकर जी के साथ नरेंद्र सिंह जी
हम रुकेंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं जब तक दोबारा ग्वालियर को अति आधुनिक शहर में परिवर्तित करके फिर ही चैन की सांस लेंगे। आपने मुझसे मांग नहीं की थी, आपने कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन 20 सालों से मैं देख रहा हूं ग्वालियर में ट्रैफिक की क्या असुविधा हो रही थी। उस असुविधा को मिटाने के लिए मैंने चेन्नई का रिंग रोड देखा है, मैंने बेंगलुरु का रिंग रोड देखा है, मैंने मुंबई में देखा है कैसे समुद्र में सड़क हाईवे बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे स्वर्ण रेखा नाले पे भी एलिवेटेड रोड बनाकर देना। और आप देखना एक ऐसा एलिवेटेड रोड बना के दूंगा। आप लोगों ने तो गुना शिवपुरी का हाईवे देखा है, गुना शिवपुरी के हाईवे से बेहतरीन गडकरी साहब और शिवराज सिंह जी से मिलकर ऐसा एलिवेटेड रोड हम आपको बना के देंगे कि 25 एंट्री और 25 एग्जिट शहर के अंदर ही हम आपको बना के देंगे ऐसा एलिवेटेड रोड। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्य करने को मिल रहा है, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के साथ कार्य करने को मिल रहा है। ये ग्वालियर प्यासी थी विकास के लिए, ये ग्वालियर प्यासी थी प्रगति के लिए। आज आपके सेवक को, आपके योद्धा को एक नहीं दो दो शिल्पकार मिले हैं, एक केंद्र में और एक प्रदेश में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्वालियर को परिवर्तित करके ही चैन की सांस मिलूंगा। नया एयरपोर्ट बन रहा है ग्वालियर में। कोई कल्पना कर सकता था कि 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, भोपाल और इंदौर से भी बड़ा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में बन रहा है, तो मेरे ग्वालियर में बन रहा है। आज बॉम्बे जा सकते, भारत माता की, भारत माता की। मन परासीन हमारे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शेजवलकर साहब, हमारे लोकप्रिय मंत्री नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जनसेवक, जो सड़क पे चल के एक एक व्यक्ति का दिल जीतने का काम करता है, ऐसे ही हमारे प्रदम सिंह तोमर जी, हमारे अभय चौधरी जी, बिहार से आए हुए हमारे मेहमान MLC राजीव कुमार जी, मेरी अपनी घर की मीरा राजपूत जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, अरुण कुलशेष जी, अरुण सिंह तोमर जी, मान सिंह राजपूत जी, वेद प्रकाश शिवरे जी, मायाराम सिंह जी तोमर, मोहन विश्व केकर जी, हमारे राजेंद्र जैन जी, राजू सेंगर जी, अरविंद रघुवाद आ रहा है। उस आशीर्वाद में हमको ठस से मस नहीं होना है। इस आशीर्वाद के लिए हम पूर्ण साल इंतजार करते हैं। आप भी इस पानी का मजा लो, हम भी इस पानी का मजा साथ में लेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन मेरे ग्वालियर के लिए, ये कार्यक्रम जहां CM राय स्कूल का शिलान्यास किया जा रहा है, ये कार्यक्रम ग्वालियर के अतीत के लिए नहीं, ये कार्यक्रम ग्वालियर के वर्तमान के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम मेरे भाई और बहनों और मेरे बच्चों, ये ग्वालियर के भविष्य का कार्यक्रम है। आप कल्पना भी नहीं कर सके आ रही है। हमारे 52 जिले हैं, 52 जिलों में 320 ऐसे स्कूल निर्धारित किए जा रहे हैं और एक एक स्कूल, जैसे ग्वालियर में ये स्कूल बनाया जा रहा है। स्कूल और शाला तो हमने अपने जीवन में बहुत देखे हैं,
लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी कोई योजना की कल्पना करेगी तो वो डबल इंजन की सरकार जिसकी डबल इंजन केवल नहीं डबल विजन भी है और डबल विजन के साथ जनता के साथ के लिए डबल समर्पण भी है, उस डबल इंजन डबल विजन डबल समर्पण का ऐसा स्कूल बनने जा रहा है 51 करोड़ का, जो आज ग्वालियर में बनेगा, रायसेन में बनेगा, नीमच मंदसौर में बनेगा, डिंडोरी में बनेगा, रीवा में बनेगा, सिंगरौली में बनेगा, ऐसे स्कूल बनेंगे जो बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता और बंगलुरु और चेन्नई के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। मैं अभी पढ़ा था 51 करोड़ का, मैं तो सोच रहा था मैं बड़ा एयरपोर्ट बना रहा हूं ग्वालियर, पर मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैंने यहां पढ़ा कि हमारा सीएम राय स्कूल स्कूल बनते थे तो जब वो जोड़ी थी ना बड़े भाई और स्कूल कोने कोने में बनते, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, अध्यापक नहीं होते थे। आज जब सीएम राय स्कूल बन रहा है ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में, ये कोने में नहीं बन रहा, ये 1,00,000 स्क्वायर फुट का सीएम राय स्कूल बनने जा रहा है। अरे तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जितने बड़े एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में होते हैं उसका 30-40% का मेरा एक स्कूल ग्वालियर में बनने जा रहा है। मेरे भाइयों, रेलवे स्टेशन से बड़ा स्कूल बनने जा रहा है, और ये स्कूल में मेरे नौजवानों के लिए कितना सुंदर प्रदर्शन किया, सरदार पटेल स्कूल के नाम पर देशभक्ति का जो नृत्य देखा, अरे मेरे नौजवानों में ये क्षमता है, मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि मेरी ये भारत माता की माटी आने वाले अमृत काल से शताब्दी बहुत बड़ी सौगात ग्वालियर के लिए है। 51 करोड़ की सौगात का शिलान्यास आज किया है, वर्ल्ड क्लास एक स्कूल यहाँ स्थापित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य इस स्कूल में अध्ययन ग्रहण करके भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराने का कार्य करेगा। सर कांग्रेस की व्याख्या तो कर ली, अब उसका प्रश्न क्या है? कह दिया मैंने, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 300 ऐसे सीएम राय स्कूल पूरे प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं और 2030 तक मतलब अगले 7 साल में 9,200 हो जाएंगे, मतलब 30 गुना हम लोग बढ़ाएंगे 7 साल के अंदर। तो ये लक्ष्य बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा इसी के आधार पर अगली पीढ़ी को हम लोग तैयार कर पाएंगे और यही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है भारत को अग्रसर करने के लिए। मुझे कोई इसकी सूचना नहीं, एक पट्टा दे दो, देखिए ये सारे स्मोक स्क्रीन नहीं चलेंगे। 2003 में मध्य प्रदेश का क्या हाल किया था, 56 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में,
गवाड़ा करके छोड़ा था, बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। 15 महीने सरकार रही, एक एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आलम मटा था। रेत के खदान चल रहे थे, किसान का ऋण माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उल्टा संबल योजना समाप्त कर दी, आशा कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए काट दिया, देहरिया आदिवासियों का 1000 रुपए काट दिया। ये स्मोक स्क्रीन नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में हमको विकास चाहिए, हमको प्रगति चाहिए, केवल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हो सकता है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।